नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सच बताऊं तो मुझे पता नहीं था ये मैं दिल्ली आकर ऐसी कोई जगह पे आऊंगा और व्लॉग बना पाऊंगा। नाइट लाइफ, यस, मैं माइंड मेरा माइंड ब्लोन है। द रीज़न इज सिंपल दैट इस वक्त मैं गुड़गांव में हूँ, चांदनी चौक में स्टे ले रहा हूँ। तो बेसिकली वहाँ से मेट्रो पकड़ी हमने एंड आ गए इफ्को, येलो लाइन मेट्रो स्टेशन है, एक घंटा लगता है। हम आ गए हैं बिल्कुल गुड़गांव हरियाणा, बिकॉज यहाँ की नाइट लाइफ ना काफ़ी धमाल है। और जैसे मैं आया यहाँ, यू कांट बिलीव दैट, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं पताया के वॉकिंग स्ट्रीट या फिर खाओसान रोड बैंकॉक या वियतनाम का जो वॉकिंग स्ट्रीट था वहाँ कहीं हूँ। द रीज़न इज सिंपल कि आप देख सकते हो कितनी लाइन्स और क्लब्स है और सो अमेजिंग है। मतलब अंदर अब तक गया नहीं हूँ, अभी हम अंदर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बाहर का व्यू आपको बता रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, एक के बाद चलेगा। भाई फर्स्ट क्लब जो हम जा रहे हैं वो है ये, कहाँ गया, ड्यूटी फ्री। ये रौनक है, अगर आप नहीं पहचानते हो तो फर्स्ट ट्रिप थाईलैंड मेरे साथ की थी, मलेशिया मेरे साथ की, थाईलैंड का हालांकि मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे 2017 में, लेकिन 2018 में मलेशिया के व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद दुबई वो भी ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, तो ये भाई आपको दिख जाएंगे। और उसके बाद ये है विभोर भाई जो दिल्ली का ही है, ये तो मुंबई का ही है रौनक, और ये दिल्ली का है मेरा दोस्त, अभी बना है, अभी नहीं काफ़ी टाइम हो गया। द रीज़न इज सिंपल कि इसके साथ भी बहुत मेमोरीज है। अगर आपको वियतनाम सीरीज पता है तो हो ची मिन सिटी में विभोर भाई मिले थे, और उसके बाद हमने करतारपुर ट्रिप भी साथ में करी है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों दोस्त, खास दोस्त के साथ आया हूँ गुड़गांव की नाइट लाइफ इन्जॉय करने, और फर्स्ट हम जा रहे हैं ड्यूटी फ्री है ना ये लाउंज पे, तो लेट्स गो इनसाइड, चलते हैं। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पहले से ही पता है कि मैं दिल्ली आया था कुछ दिन पहले, इनफैक्ट अभी दिल्ली में ही हूँ। ये दिल्ली का ही ब्लॉग है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब देख लिया। तो इस वक्त मैं हूँ चांदनी चौक, और एक्चुअली पंगा क्या हुआ ना कि वीडियोज़ तो कल परसों से शूट करने वाला था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मेरा गिम्बल, मेरा फ़ोन गिर गया, गिम्बल गया, इसलिए देखो थोड़ा हिल भी रहा है, गिम्बल गया, और फ़ोन का जो चार्जिंग का ये नहीं रहता पिन वो भी ख़राब हो गया था, मतलब हालत ख़राब। अब शूट कैसे करूँ, तो फिर ये चांदनी चौक में ये दिखी मुझे फिक्स मैन करके, तो मैं आया इनको दिया, और इन्होंने विद इन वन डे भी नहीं, मतलब 18 घंटे में ठीक करके मेरे को दे दिया। थैंक्स टू देम, मैंने उनको कहा था कि यार मैं यूट्यूबिंग करता हूँ फ़ोन से तो थोड़ा जल्दी दे देना, इन्होंने दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको चांदनी चौक वगैरह घुमाता हूँ, रेड फोर्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत ये वीडियो में घुमा लेता हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा स्टेबलाइजेशन प्रॉब्लम होगा बिकॉज गिम्बल गया मेरा, बट एक मिनट, कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो मैं थैंक यू बोल देता हूँ, तो इनको बोल देता हूँ। टेक्नीशियन भाई, वेरी वेरी थैंक यू, आपने बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में मेरा ये कर दिया काम। तो ये भाई, मैं मुंबई से हूँ, फिक्स मैन मुंबई में भी है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में 100 आउटलेट्स हैं। 100 आउटलेट्स है, तो ये मतलब लैपटॉप फोन सब, ओके, अच्छा, सही है। चलो मैं वो शुक्रिया करने ही आया था आपको, अब मैं मेरे व्यूअर्स को, हाँ, अब मैं मेरे व्यूअर्स को पूरा चांदनी चौक वगैरह घुमाता हूँ, है ना, थैंक यू सो मच, बाय। तो वही बात है कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो फ़र्ज़ बनता है थोड़ा प्रमोट कर देने का, तो इनका मैंने प्रमोट कर दिया है, ऐसे ही मान लो, सस्ते में भी किया और ऑन टाइम किया। इनको मैंने कहा था कि यार मेरे को शूट करना है, 2-3 दिन ही हूँ और, तो बिना फ़ोन कैसे करूँगा, जल्दी कर दिया। चलो एनीवेज, अभी हम जाते हैं और घूमते हैं चांदनी चौक।
गाइस ये है चांदनी चौक, आप देख सकते हो। और मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं, आपका नाम क्या है? डीजे। डीजे डीजे बैकपैकर। अच्छा आप भी ट्रैवल करते हो? अच्छा बढ़िया बढ़िया, तो मेरे को सब्सक्राइबर मिले तो अच्छा लगा। और अभी चांदनी चौक में जैसे कि आपको कहाँ घूम रहा हो, तो ये देखो रेड फोर्ट आपको दिख ही रहा है, और इस तरफ जो एंड है वो है फतेहपुरी गेट। ये सन की वजह से यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे अच्छा आ रहा है लाइटिंग, है ना। तो रेड फोर्ट भी घुमाते और ये मंदिर भी आपको लेके जाता हूँ। दो मंदिर है, एक तो दिगंबर जैन मंदिर और एक बाजू में कौन सा मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। तो वो भी आपको बाहर से दिखा देता हूँ, बिकॉज अंदर तो शूट मंदिर में अलाउ नहीं होते। और रेड फोर्ट दिखाता हूँ और चांदनी चौक में जो भी है जितना हो सकता है, गुरुद्वारा भी है, सब कुछ है, बताऊँगा। तो ये रहा गौरी शंकर मंदिर, और इसके ठीक बगल में दिगंबर जैन मंदिर, जिसे रेड मंदिर भी लाल मंदिर भी कहा जाता है, बिकॉज यही है, आप देख सकते हो रेड है, और सामने रेड फोर्ट भी है। तो ये रहा रेड फोर्ट, आप देख पा रहे हो। और यही है कि कोविड जब से है तो एंट्री बंद है, अदरवाइज एंट्री का सीन ये था कि 50 रुपीज़ इंडियंस के लिए, 500 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए इसकी एंट्री टिकट थी, लेकिन कोविड के कारण अभी एंट्री बंद है। बाहर से देखो, फ़ोटो वोटो खींचो, कुछ चाट वाट खाओ और जाओ आगे। तो अभी ये धीरज भाई हमें लेके जा रहे हैं यहाँ से 5 मिनट्स बाय वॉक जामा मस्जिद। तो ये हम पहुँच गए हैं जामा मस्जिद, दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, पूरा लेन मार्केट है। और मैंने क्या किया ना, शोर काफ़ी है तो मैंने मास्क के अंदर ये माइक लगा दिया, ताकि के साउंड क्वालिटी की दिक्कत ही ना हो। और ये पीछे है जामा मस्जिद, जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और पॉजिटिविटी लेते हैं। तो गाइस कल शाम का वक्त था, और जब मैं बाहर से शूट कर रहा था जामा मस्जिद का, तो ये बच्चे लोग खेल रहे इसलिए तो ये मैं बात कर रहा था कि शाम का वक्त था कल, तो मैं जब चढ़ रहा था तो इतनी सारी भीड़ थी और मास्क किसी ने नहीं पहना था, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, तो मैंने अवॉइड किया। मैंने सोचा कि कल सुबह मॉर्निंग में आऊँगा और जामा मस्जिद के दरबार पर दुआ मांगूँगा। तो मैं मॉर्निंग नेक्स्ट डे आया हूँ, लेकिन द सीन इज़ दैट कि आज पता चला, अच्छा आज तो फ्राइडे, तो वही बात है कि आज भी काफ़ी भीड़ है, आप देख पा रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आज जाता हूँ, बिकॉज मुझे सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ दुनिया में, मेरे को मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना या फिर गुरुद्वारा जाना, मेरे को मतलब भगवान से मतलब मैं बयान नहीं कर सकता खुशी को, कितनी मुझे खुशी होती है, और शब्द नहीं है, बस इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। तो बस अभी मैं दुआ मांगूंगा और मैं आपको थोड़े शॉर्ट भी बताता हूँ कि हो जाए आपके भी दर्शन, और आप भी थोड़ा दुआ मांग लो। और बस यही मेन है कि सब अच्छा ठीक हो जाए सबके साथ, और जो भी मुसीबत में है ना, बस सब ठीक हो जाए, और जिसको सद्बुद्धि कम है उनको सद्बुद्धि दे। सजरा सवेरा मेरा रंग बरसे, कजरा अंधेरा तेरी जलती ना, कतरा मिला जो तेरे दरबर से, ओ मौला मौला। बस अभी अच्छे से दुआ मांगी जामा मस्जिद में, बहुत अच्छा मिला, बहुत सुकून मिला। और बस यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, देख के थोड़ा डर लगता है कि अभी भी माहौल वैसा है, यू नो, तो कोविड का, तो
डर लगता है कि मास्क क्यों नहीं पहनते, और यहाँ नहीं कोई भी, अगर कोई चर्च में भी जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं, दोनों तरफ के लोग होते हैं जो प्रोटोकॉल्स कोई कोई पालन करते और कोई कोई प्रोटोकॉल्स नहीं पालन करते। मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर इतना छूट मिल रहा है, आप दर्शन कर पा रहे हो, आप हर जगह जा पा रहे हो, तो थोड़ा सा ना प्रोटोकॉल प्लीज़ फॉलो करो तो सबके लिए अच्छा होता है। वरना आपको पता ही है कि क्या हालत हो रही है, हर जगह केस बढ़ी रहे, महाराष्ट्र में हो कि कोई भी हो, है ना, बस यही दिक्कत है। अभी हम जाते हैं चांदनी चौक, बैक टू चांदनी चौक। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों, ये जलेबी वाला, ये फेमस है, चलो इधर जलेबी खा ही लेते हैं अभी तो। सफर कैसा है ये रहे रेट्स, अगर पर पर्सन ऐसा कुछ एक प्लेट भी खाना है 50 रुपये की जलेबी लेनी पड़ेगी, बाकी समोसा वगैरह तो आपको रेट दिख ही रहा है, तो थोड़ा मैं 50 रुपीज़ का जलेबी ले रहा हूँ और एक आलू समोसा ले रहा हूँ। भीड़ बढ़ गई है, जैसे ही जलेबी गरम गरम निकली बहुत भीड़ बढ़ गई है, तो 100 ग्राम मैंने जलेबी ली है 50 रुपीज़ की, और ये 20 रुपये का आलू समोसा जो कि काफ़ी कॉस्टली है। मैं तो भाई मुंबई से हूँ तो दिल्ली में भी मैंने सोचा नहीं था इतनी कॉस्टली मिलेगा स्ट्रीट फूड, बट बिकॉज फेमस है, नाम है पुराना है, इसलिए ये 20 रुपीज़ का आलू समोसा खा लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसा है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो जितना जिसका नाम रहता है उसी हिसाब से उसका पैसा रहता है, बस यही बात है, लेकिन हाँ जलेबी का टेस्ट बहुत अच्छा था, समोसा मज़ा नहीं आया, इतू सा 20 रुपये का समोसा उस पर टेस्ट भी अच्छा नहीं था, बट हाँ जलेबी बहुत अच्छी थी। और ये भाई मिले बिहार के, इनके हाथ में गोप्रो ओप्रो ये भी शूट कर रहे थे सब, नोमैड चंदन करके इनका चैनल है, बोले कि भाई मैं भी यूट्यूबिंग करता ऐसा ऐसा। और चलते चलते हम अब पहुंच गए हैं गुरुद्वारा, सोच रहा हूँ अभी भी माता टेक लूँ और उसके बाद मैं एंड करता हूँ ये व्लॉग को अपने दोस्त के दुकान जाके, जिसके साथ मैं आया हूँ, और सोचा कि उसकी दोस्त की दुकान भी बता दूँ। तो चांदनी चौक में सारी चीज़ें हो जाएगी, मतलब मंदिर मस्जिद सब आपने देख लिए, पराठे वाली गली आपको नहीं बताई सॉरी, लेकिन हाँ इधर ये देखो बाजू में इधर कुछ ऐसा वीडियो चल रहा रहेगा। द फैक्ट इज़ कि मैं पराठे गली वाली भी 3 दिन पहले रात में हो आया, और हाँ अभी बस एक ही चीज़ बची है कि माता टेकते उसके बाद दोस्त के इधर जाते, दोस्त के इधर की दुकान में आपको बता देता हूँ हल्का सा 30-40 सेकेंड, ठीक है। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चिंता कर ना कर अगर मगर। बस तो अब हम फाइनली पहुंच गए कटरा नील, चांदनी चौक के अंदर एक गली आती है, मतलब सब लेन है, तो इस लेन का नाम है कटरा नील, बिकॉज दोस्त की दुकान है यहीं पे, ये रही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक सेकंड अच्छे से दिखाता हूँ, ये रहा रौनक, मेरा फ्रेंड है मुंबई का, ये देख सकते हो दिल्ली में है भले ही, लेकिन क्या लिखा है मुंबई वाले, कौशिक डिजाइनर दुकान का नाम है, और बस ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है एक नंबर, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कलेक्शन बता देता हूँ, तो छोटी दुकान है, बड़ी सी दुकान आ गई है, तो काफ़ी सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा आपको, बस थोड़ा सा ऐसे चांदनी चौक बताना था मेरे को, ये भी जो भी है जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, जितनी मैंने कोशिश की उतनी आपको बताई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ट्रिप मुझे करनी है इंटरनेशनल की, तो बस बहुत जल्द इंटरनेशनल ट्रिप आने वाली है आपके साथ। Thanks a lot for watching this video.